नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती के बारे में। दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड भर्ती के ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और आज के इस वीडियो में आप सभी को इसके बारे में पूरी डिटेल ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। चाहे वो योग्यता को लेकर हो गई हो, या आयु सीमा को लेकर हो गई हो, या वेतन को लेकर हो गई हो, तो यहाँ पर आपको आज फुल डिटेल मिलने वाली है होमगार्ड भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने एक लिंक प्रोवाइड करा रखा है, तो सिंपली आपको वहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है और ये है हमारे चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉगर बना रखा है आप लोगों को सूचनाएँ देने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है होम गार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान, होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2020। और यहाँ पर दोस्तों, अगर बात करें इस वैकेंसी के फीस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जनरल और OBC और अदर स्टेट के लोगों के लिए यहाँ पर जो फीस निर्धारित की गई है वो है यहाँ पर 200 रुपये। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर SC ST PWD MBC के छात्रों के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर 175 रुपये आपको पे करने होंगे इस भर्ती के आवेदन के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, चाहे तो आप SSO ID बनाकर आवेदन कर सकते हैं और अपने डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा अपना आवेदन करके पेमेंट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप ईमित्र पर जाकर ईमित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो वैकेंसी थी वो पहले जारी हुई थी अप्रैल के महीने में, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर वैकेंसी में रोक लगा दी गई थी, तो यहाँ पर उस टाइम पे फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो पाए थे, तो यहाँ पर फिर इसी वैकेंसी को रीओपन किया गया है। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो हो चुके हैं 10 जून 2020 से। और यहाँ पर दोस्तों, अगर बात करें लास्ट डेट की, यहाँ पर इस वैकेंसी की लास्ट डेट है दोस्तों 9 जुलाई 2020, यानी कि पूरी एक महीने ये वैकेंसी चलने वाली है। तो दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि बाद में वेबसाइटें कई बार चलती नहीं है, इसके कारण काफ़ी सारे लोगों के फॉर्म रह जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें। और फीस जमा करने की भी जो लास्ट तिथि है वो है 9 जुलाई 2020। दोस्तों, यहाँ पर एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के बारे में अभी कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, और अगर कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो आपको हम हमारे वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं आगे वैकेंसी डिटेल में, तो यहाँ पर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो है 2500 वैकेंसी टोटल यहाँ पर दे रखी है। और दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर 2500 वैकेंसी को किस तरीके से बांट रखा है वो भी आप दोस्तों समझ लीजिए। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर जनरल में 905 पद, SC में 418, ST में 304, OBC में 514 और MBC में 121 और EWS में 244 पद यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2500 पद तो टोटल दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन से ज़िले से कितने क्या पद है, अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम वीडियो के एंड में बताने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो के साथ बने रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर योग्यता की, तो यहाँ पर योग्यता जो रखी गई है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर योग्यता है 8वीं पास, यानी कि कम से कम अभ्यर्थी ने 8वीं पास कर रखी हो। अगर आपने 8वीं पास नहीं कर रखी है तो आप इस आवेदन को भर नहीं सकते। और यहाँ पर दोस्तों, अगर बात की जाए यहाँ पर एज लिमिट की, तो 18 से 35 यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से मानी जाएगी, तो यहाँ पर आप 18 साल के हो जाने चाहिए और 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, यानी कि जो यहाँ पर फिजिकल लगने वाला है वो कैसे क्या रहेगा, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो SC और ST कैंडिडेट है उन्हें 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट दी गई है।
दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हाइट की, तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए दोस्तों 152 सेंटीमीटर, और अगर चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 81 से 86 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर मान्य नहीं है। और यहाँ पर वजन की बात की जाए तो यहाँ पर जो पुरुष है उनके लिए वजन कितना भी हो सकता है, और यहाँ पर जो फीमेल है उनके लिए दोस्तों 47.5 किलो वजन तो अवश्य होना ही चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट का कुछ अलग सा यहाँ पर दे रखा है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर कुछ अलग है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन 12 डिस्ट्रिक्ट में जो हाइट वगैरह है, चेस्ट वगैरह है, वो थोड़ा कम है। हो सकता है कि इनको यहाँ पर कुछ छूट मिली हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको कम दिया गया है सारी चीज़ें, तो ये अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं रनिंग डिटेल, यानी कि जो दौड़ होगी वो कैसे क्या होगी। दोस्तों अगर बात करें मेल की, यानी कि जो पुरुष होंगे उन्हें 1 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ना होगा, और यहाँ पर फीमेल होगी यानी कि महिला होगी उन्हें 800 मीटर यहाँ पर दौड़ लगानी होगी। अगर बात करें कि आप 1 किलोमीटर की दौड़ को 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर अगर पूरी करते हैं तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप उसी दौड़ को 3 मिनट और 20 सेकंड में पूरी करते हैं तो यहाँ पर 23 मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप उसी दौड़ को 3 मिनट 10 सेकंड में पूरी करते हैं तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर 4 मिनट और 30 सेकंड के अंदर आप दौड़ पूरी करते हैं तो यहाँ 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर करते हैं तो 23 नंबर आपको मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर 3 मिनट और 15 सेकंड के अंदर करते हैं तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। दोस्तों ये रही दौड़ की डिटेल जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 लिंक मिलते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लिंक है वो है आवेदन करने का, दूसरा है दोस्तों यहाँ पर जो डाउनलोड यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं नोटिफिकेशन जो अभी हाल में जारी हुआ है रीओपन का, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर आप कैटेगरी वाइज और ज़िले वाइज यहाँ पर पद जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि हमें आवेदन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम बात करें अब यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो है वेतन। दोस्तों अगर वेतन की बात करें तो यहाँ पर 693 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको यहाँ पर वेतन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर यह बात की जाए तो यहाँ पर जो वेतन है वो भी अच्छा खासा है होमगार्ड भर्ती के लिए। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आवेदन करें। दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी इस भर्ती को लेकर कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।